नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की जीत में। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, नेवले ने बताया कि यह तीन लोग सगे खून के रिश्ते के साथ भी गद्दारी करते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक नेवला और एक मेंढक साथ साथ रहते थे। दोनों में धीरे धीरे घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और दोनों जंगल में रहने लगते हैं तो एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भी बहुत काम आते हैं। जब नेवला को कोई दुख होता है तो मेंढक दौड़ा चला आता है और मेंढक को कोई दुख होता है तो नेवला दौड़ा चला आता है। यानी कि दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि पास में रहने वाले पशु पक्षी भी उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, अगर मेंढक को कोई भोजन मिल जाता था तो वह अकेले भोजन ग्रहण नहीं करता था और वह मेंढक के पास, मेंढक अपने नेवले के पास, दोस्त के पास भोजन लेकर चला जाता और दोनों साथ में ही भोजन किया करते। यदि नेवले को कहीं भोजन मिल जाता तो नेवला भी वहीं करता, अपने साथ भोजन को लेकर आता और दोनों मिलकर के भोजन किया करते। ऐसे दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। नेवला बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी था। वह अक्सर अपने ज्ञान से मेंढक का मार्गदर्शन किया करता था। एक दिन मेंढक ने नेवले से कहा, मित्र, हम कहीं दूर देश के लिए चलते हैं, तुम कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे ज्ञान भी प्राप्त हो और सफर भी आसानी से कट जाए। तब नेवला कहता है, मित्र, मैं हमेशा की तरह आपको ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी हमारे लिए एक बहुत अनमोल सीख देगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान देकर सुने। प्रिय दर्शकों, अब तो नेवला मेंढक को वह कहानी सुनाना शुरू कर देता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। छोटी मोटी चोरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। प्रिय दर्शकों, जो चोर था वह चोरी तो करता ही था, लेकिन उसके चुराए हुए धन से उसके परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं हो पाता था। इसीलिए चोर हर समय बड़ा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन चोर अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं नगर में चोरी करता हूँ, लोगों के घरों में डाका डालता हूँ, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ। मैंने इतनी चोरी कर ली, फिर भी मेरे परिवार की गरीबी दूर ही नहीं होती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी मिट जाए। प्रिय दर्शकों, चोर बैठा हुआ ये सब बातें सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। चोर ने विचार किया कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे छोटी चोरी करें या बड़ी चोरी करें, तो है तो चोरी ही तो चोर हैं, हम हर बार चोर ही कहलाएंगे। और यदि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उतनी ही सजा मुझे छोटी चोरी करने के लिए मिलेगी, जितनी सजा मुझे बड़ी चोरी करने के लिए मिलेगी, तो फिर क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। प्रिय दर्शकों, यह विचार कर उस चोर ने एक योजना बनाई कि आज रात मैं नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटने जाऊंगा और निश्चय करके नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटने की योजना बनाने में जुट गया।
प्रिय दर्शकों, जब रात होती है तो चोर दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर जाता है और उसी तरह वह वहीं पर पहुंच जाता है जहां राजा का खाना रखा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा है। कई सैनिक खजाने का पहरा दे रहे हैं और उनकी आंखों से छुपकर खजाने तक पहुंचना बड़ा ही कठिन काम है। इतनी कड़ी सुरक्षा है, इस सुरक्षा के घेरे को तोड़कर खजाने तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। यदि किसी सैनिक की नजर चोर पर पड़ गई तो तुरंत ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज उस सैनिक को देखकर चोर को सैनिक के रूप में अपना काल नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खजाने के चारों तरफ साक्षात यमराज पहरा दे रहे हैं। वह सोचने लगा, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। प्रिय दर्शकों, यह सोचकर चोर ने चोरी का विचार त्याग दिया और उल्टे पांव ही वापस लौटने लगा। अभी कुछ दूर पर ही जा पाया था कि इतने में उसके मन में दूसरा विचार आया। सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करके इस राजमहल के अंदर तक पहुंचा हूं और खाली हाथ ही अपने घर लौट रहा हूं। खाली हाथ लौटने से अच्छा तो कि मैं यहां से कुछ न कुछ तो चुरा ले जाऊं। यदि मैं यहां से खाली हाथ घर वापस लौटा तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर चोर ने अपने कदम राजा के श्याम कक्ष की तरफ बढ़ा लिए। चोर ने अनुमान लगाया कि इस समय राजा तो अपनी रानी के साथ में गहरी नींद में सो रहे होंगे। आज के लिए मैं राजा के श्याम कक्ष से ही कुछ न कुछ चुरा के ले जाऊंगा। राजा के श्याम कक्ष में जाऊंगा और राजा के वस्त्र पहनूंगा और उन राजस्वी वस्त्र को पहनकर राजा का वेशभूषा बनाकर आराम से यहाँ से धन चुरा कर इन महलों से बाहर निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसीलिए वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा निश्चय करके चोर राजा के श्याम कक्ष के पास पहुंच जाता है और श्याम कक्ष के बाहर लगे हुए पर्दे को धीरे से हटाकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने पर्दे को हटाकर अंदर झांका, अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी निद्रा में सोया हुआ है और उसकी रानी नग्न अवस्था में पलंग के सिरहाने बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल जाते हैं और चोर एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय तक तो चोर उस दीवार से सटकर ऐसे ही खड़ा रहा। उसके बाद जब चोर उस पर्दे को हटा करके फिर से देखता है कि रानी सो गई या जाग रही है, क्योंकि चोर इस ताक में था कि रानी सोए तो मैं राजा के वस्त्र चुरा कर उन वस्त्रों को पहन लूं और इस महल से बाहर निकल जाऊं। चोर ने जब पर्दा हटाकर अंदर झांका तो उसने देखा कि रानी उसी अवस्था में बैठी हुई अभी भी जाग रही है। तो चोर फिर से अपने उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पहले खड़ा हुआ था। काफी देर खड़े रहने के बाद चोर ने विचार किया कि ऐसे मैं कब तक खड़ा रह सकता हूँ, ऐसे तो मेरी कमर थक जाएगी। यही सोचकर चोर ने निश्चय किया कि श्याम कक्ष के बाहर जो कुर्सी पड़ी है उस कुर्सी पर बैठकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और तब तक रानी भी गहरी निद्रा में सो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यही विचार कर चोर दबे पांव उस कुर्सी तक पहुंच जाता है और कुर्सी के पास पहुंचकर उस पर बैठने का प्रयास करता है। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह चोर उस कुर्सी पर बैठा वैसे ही कुर्सी टूट गई और जोर जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। चोर के गिरने की आवाज से
राजा की नींद नहीं खुली, लेकिन जैसे ही चोर के गिरने की आवाज रानी के कानों में पड़ी तो रानी नंगी तलवार लेकर अपनी श्यान कक्ष से बाहर आती है। बाहर एक आदमी को देखकर रानी घबरा जाती है। उसने तुरंत तलवार निकाली और चोर के गर्दन के ऊपर रख दी। बोली, तू कौन है और कैसे यहाँ आया है? सच बताना, वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रानी की तलवार ने चोर के गर्दन को छुआ तो चोर डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से रबारब हो गया। चोर हाथ जोड़ते हुए बोला कि रानी साहिबा, मेरी जान मत लो। मैं एक करीब का गरीब व्यक्ति हूँ। मैं इस महलों में आया हूँ चोरी के उद्देश्य से। महारानी ने आपके ही नगर का एक छोटा सा चोर हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी साहिबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इस बार मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं फिर कभी इन महलों में चोरी करने नहीं आऊँगा। रानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया आज मेरी जान बख्श दो और मुझे यहाँ से जाने दो। प्राणी जब मरता है तो उसके बच्चे रोते हैं और वो अनाथ हो जाते हैं। हे रानी, तुम मुझे छोड़ दो। रानी जब चोर की इन बातों को सुनती है तो उसे कुछ तरस आ जाता है। फिर कुछ सोच समझ कर रानी उस चोर से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा तो मैं तुम्हारी जान भी बचा दूंगी और कुछ धन वगैरह भी दे दूंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। चोर बोला, महारानी, आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगा। आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं, बस आपको मेरी गर्दन से तलवार हटानी है। आप जो कहोगी उसे मैं करने को तैयार हूँ। रानी बोली, यदि तुम जिंदा इन महलों से अपने घर जाना चाहते हो तो तुम मेरी बातों को कान लगाकर सुनो। मेरी इच्छा है कि इस समय मैं काम से पीठ हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो और मुझे संतुष्टि प्रदान करो तभी तुम यहाँ से जिंदा बाहर जा सकते हो। यदि तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारा सर और मेरी तलवार एक झटके में मैं तुम्हारे गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगी। आप सोच लो तुम्हें क्या करना है। प्रिय दर्शकों, चोर जब रानी की मुख से इन बातों को सुनता है तो उस रानी के इन वचनों को सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। जो रानी से कहता है कि रानी साहिबा, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कहाँ एक छोटा सा चोर और आप कहाँ इतनी बड़ी साम्राज्य की महारानी? मैं भला आपके साथ में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। यह तो मेरे लिए सोचना भी पाप है। मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं आपके साथ में ऐसा करने की सोचूं। रानी ने कहा, देखो मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वास्तव में मैं तुम्हें अगर जान प्यारी है तो मैं जैसा कहता हूँ तो तुम्हें भी वैसा ही करना होगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिय दर्शकों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। सोचने लगा कि अगर अब मैंने कुछ भी कहा तो मेरी जान बचेगी नहीं। आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने रानी की बात नहीं मानी तो रानी मुझे मौत के घाट उतार देगी। यदि मैंने रानी की बात मान ली तो यह बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रिय दर्शकों, चोर बड़ी दुविधा में फंस गया।
चोर सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं। काफी देर सोच विचार करने के बाद जब उसको राहत नजर आई तो उसने रानी के साथ गर्म करने की बात को स्वीकार कर लिया और रानी से हाथ जोड़कर बोला कि रानी साहिबा, मैं आपके साथ सगामन करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 5 मिनट की मोहलत चाहता हूँ। मुझे बहुत जोरों की लघुशंका लगी है, पहले आप मुझे लघुशंका से निवृत्त हो जाने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चोर की इन बातों को सुनकर रानी ने चोर की गर्दन से तलवार हटाई और उसे तलवार से पेशाब खाने का इशारा करते हुए बोली कि देखो सामने ही पेशाब घर है, तुम जल्दी से लघुशंका से निवृत्त होकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं खड़ी इंतजार कर रही हूँ। रानी की सहमति मिलते ही चोर पेशाब खाने की तरफ चला गया। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रिय दासों को जब चोर पेशाब खाने के अंदर पहुंचा तो चोर ने देखा कि पेशाब खाने में झरोखा बना हुआ है। उसने अपना दिमाग लगाया, अंधेरे का फायदा उठाया और रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर पहरा दे रहे एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उससे पूछताछ करने लगा। चोर तो पहले से ही डरा हुआ था, उसने सैनिक को सारा हाल सारा घटनाक्रम बता दिया कि वह एक चोर है और चोरी करने के इरादे से महलों में आया है, और साथ ही उसने यह भी बता दिया कि रानी की नजर मुझ पर पड़ गई और वह मेरे साथ में सगामन करना चाहती है। किसी तरह से मैं रानी को चकमा देकर अपने घर लौट रहा था, इतने में आपने मुझे पकड़ लिया। सैनिक को उसने सारी बात सच सच बता दी और बोला अब आप मुझे मेरे घर जाने दो। चोर की इन बातों को सुनकर सैनिक कहने लगा कि तुमने राजमहलों में घुसने का दुस्साहस किया है, मैं भला तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। सैनिक के आगे हाथ जोड़ते हुए चोर बोला, बाबूजी मैं बाल बच्चे वाला गरीब आदमी हूँ, कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दो, आज के बाद फिर कभी मैं इन महलों की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। सैनिक ने कहा, ठीक है, यह ज्यादा मिन्नतें कर रहा है तो तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चोर बोला, ठीक है भाई, आप भी अपनी शर्त बता दो, मेरी रिहाई के बदले आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो सैनिक कहने लगा कि सुनो भाई, यदि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें एक बार रानी के पास में फिर से जाना होगा और रानी से कहना होगा कि तुम्हारे साथ सगामन के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। यदि तुम रानी से ऐसा कहते हो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाना दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी शोर मचाकर गिरफ्तार करवा दूंगा। प्रिय दर्शकों, पहरेदार की इन बातों को सुनकर चोर और दुविधा में फंस जाता है। चोर सोचने लगता है कि वैसे तो मेरे प्राण भी बच सकते थे परंतु अब नहीं बचेंगे। चोर सोचने लगा कि यदि रानी से मैंने यह बात कही पुरानी तो रानी मेरा सर धड़ से अलग कर देंगी। अब तो चोर की चारों तरफ से मौत दिखाई दे रही थी। चोर सोचने लगा कि वह ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरे मन में राजमहल में चोरी करने का विचार आया, मैं यहाँ नहीं आता तो ही अच्छा होता। पहरेदार की ओर देखकर कहने लगा, जल्दी बताओ क्या सोचा है तुमने, रानी के पास जाते हो या फिर मैं शोर मचाऊं। चोर बोला, भाई तुम शोर मत मचाओ, मैं अभी रानी के पास जाता हूँ और तुमने मुझसे जो बात कही है उसे मैं रानी से जाकर कहता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह चोर मजबूत होकर रानी के पास जाता है और रानी के सामने
वही बात रख देता है जो सैनिक ने बताई थी कि रानी साहिबा मुझे आपके साथ में संबंध बनाने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यदि किसी तरह महाराज की नींद टूट गई और उन्होंने हमें देख लिया तो ना तो हम जिंदा बचेंगे और ना आप। तो चोर बोला, हे रानी, यदि आप मेरे साथ में सगामन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने पति का सिर काटना होगा। अगर तुम मेरी इन बातों को पूरा करती हो तो मुझे तुम्हारे साथ में संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप मेरी बातों से ऐतराज है तो राजा के हाथों से मरने की अपेक्षा आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। चाहो तो आप मुझे मार सकती हो। प्रिय दर्शकों, तो वह रानी चोर के मुख से जब इन बातों को सुनती है तो चोर की बातों को सुनकर वह कहती है कि बस इतनी सी बात को अभी मैं राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। और इतना कहकर रानी श्याम कक्ष के अंदर चली जाती है और एक ही बार में महाराज का सिर धड़ से अलग कर देती है। प्रिय दर्शकों, जैसे रानी ने राजा का सिर काटा तो पूरा श्याम कक्ष राजा के लहू से लथपथ हो गया। रानी भी राजा के खून से पूरी तरह भीग गई। राजा की मौत के बाद रानी ने उस भयानक मंजर को देखा तो उस मंजर को देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर को भी मौका मिल गया, इसीलिए चोर भी चुपचाप वहां से फरार हो गया। इधर जब अगला दिन हुआ, अगले दिन की सुबह जब राजकर्मी को आए वहां सफाई करने तो उन्होंने देखा कि राजा के श्याम कक्ष में राजा के पास सिर कटा हुआ है राजा का, और राजा के शव के पास उनकी रानी बेहोश पड़ी हैं। इस नजारे को देखकर राजा के राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा साहब को मारने वाला कोई था इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा पहरा होने के बाद भी भला राजा साहब को कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, उसका भी बुरा हाल था। राजकर्मियों ने काफी तलाश किया लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि राजा साहब को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, इस रहस्य को पूरे राजमहल में एक सैनिक ही जानता था जो कल रात उस चोर से मिला था। उसे पक्का यकीन था कि रानी और चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने यदि किसी को इस बारे में बताया तो कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, बोलता है और मुझे ही दोषी ठहराएगा। यही सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखा। और दूसरा कारण भी था कि जब सभी लोग राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे उसी समय रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने पति के साथ सती होनी चाहती हैं। जब लोगों ने सुना कि रानी अपने पति के साथ सती होना चाहती हैं तो इस घोषणा में से तो उनके मुंह बंद हो गए। जो अपनी जुबान से रानी पर संदेह जता रहे थे क्योंकि रानी अगर राजा साहब की हत्या कर देती तो फिर वे राजा साहब के साथ सती क्यों होती। प्रिय दर्शकों, जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं तो राजा के अमृत शरीर को शमशान घाट ले जाया गया और शमशान घाट ले जाकर राजा के अंतिम संस्कार के लिए चिता चुनी गई। प्राणी भी बहुत सब लोग दुख मना रहे थे। रानी भी अपने पति के साथ चिता पर जाकर बैठ गईं। सब नगरवासी बारी बारी से
चिता पर लकड़ियां लगाते जा रहे थे और राजा रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि रानी अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए जिंदा ही अपने पति के साथ सती होने जा रही हैं। प्रिय दर्शकों, इसी क्रम में जब उस सैनिक की बारी आई जो इस रहस्य को जानता था, वह सैनिक जब राजा की चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा तो उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी आप तो सती हो जाओगी, फिर मेरी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? रानी ने कहा, कैसी जिज्ञासा? तो सैनिक बोला कि रानी साहिबा, जाते जाते मुझे तुम इतना तो बता दो कि राजा साहब को किसने मारा है, वह चोर जो कल तुम्हारे महलों में आया था या फिर आपने? प्रिय दर्शकों, सैनिक के मुख से जब रानी ने इन शब्दों को सुना तो रानी इन शब्दों को सुनकर एकदम से चौंक पड़ी। वह समझ गई इसका मतलब, इस भेद को यह सैनिक जानता है। रानी ने कहा कि सुनो सैनिक, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने मारा है। अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है कि राजा को किसने मारा है, तो उसके लिए तुम्हें नगर के बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है, उस जंगल में जाना होगा। जंगल में एक बुढ़िया अपनी कुटिया बनाकर रहती है। वह बुढ़िया तुम्हें यह बता सकती है कि राजा को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, रानी का उत्तर सुनकर उस सैनिक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जल्द से जल्द इस रहस्य को जानना चाहता था कि उसने राजा की चिता पर लकड़ी रखी और अन्य लोगों की तरह प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अगले दिन होता है तो अगले दिन सुबह वह सैनिक रानी के बताए अनुसार जंगल को चल देता है। जब जंगल के नजदीक पहुंचा तो उसे वहां पर कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला कि माँ, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजा साहब को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, सैनिक की इन बातों को सुनकर वह बुढ़िया बोली, बेटा अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है कि राजा साहब को किसने मारा है, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बेटा, मेरी कुटिया के सामने एक बकरा बंधा हुआ है, तुझे यह जानना है तो तुझे अपनी तलवार से एक ही बार में उस बकरे की गर्दन को काटना होगा। जैसे तू उस बकरे की गर्दन को काटेगा, ऐसे ही उस बकरे का सर धड़ वहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। बेटा, जैसे ही उस बकरे का सिर हवा में उड़ने लगे, वैसे तुम उस बकरे के कान पकड़ लेना। बकरे का सिर तुम्हें जिस जगह पर ले जाए, तुम वहां चले जाना। उस स्थान पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सैनिक बुढ़िया के इन वचनों को सुनता है तो तुरंत ही कुटिया के बाहर निकलकर आ जाता है। कुटिया के बाहर निकलकर सैनिक देखता है कि सचमुच कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है। बकरे को देखकर सैनिक तुरंत अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में बकरे का सिर धड़ से अलग कर देता है। प्रिय दर्शकों, बकरे का सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगता है। सैनिक ने झट से उसके कान पकड़ लिए। बकरे के सिर के साथ सैनिक भी हवा में उड़ने लग जाता है। काफी देर के बाद वो सैनिक को लेकर एक भयानक जंगल में जाता है जहां पर एक बड़ी सी गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर बकरे को वह देखता है तो बकरे का सिर नीचे उतर जाता है। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में मुझे कोई मनुष्य दिखा नहीं है और ना ही दिखाई दे रहा है, फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा?
कि राजा को किसने मारा है। जिस गुफा के सामने वह खड़ा हुआ, वह सैनिक यह सोच रहा था कि वह यह एक राक्षस की गुफा थी। प्रिय दर्शकों, वह एक राक्षस की गुफा थी जिसमें राक्षस अपनी बेटी के साथ में रहता था। जिस समय वह सैनिक गुफा के सामने पहुंचा, उस समय शाम हो चुकी थी और उस समय राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में बाहर बहुत दूर जा चुका था। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस होती है तो वह अपनी गुफा से निकलकर बाहर आती है और जब उसने सैनिक को देखा तो वह एक हट्टे खट्टे नौजवान को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने देखा कि उसके गुफा के द्वार पर एक नौजवान खड़ा है। सैनिक को देखकर उसने सोचा, अगर मैंने उसे मार कर खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। मैं इसे खिलौना बनाकर अपने पास रखूंगी, यह मेरा मन बहला देगा। फिर ये दर्शकों, यह विचार आते ही राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर सी लकड़ी का रूप बनाया और उस सैनिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही सैनिक की नजर उस राक्षस कन्या पर पड़ती है तो अपने सम्मुख इतनी सुंदर सी स्त्री को देखकर वह उस राक्षसनी कन्या पर मोहित हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। इधर वह राक्षस कन्या सैनिक पर पहले से ही मोहित थी। जब उसने देखा कि एक नौजवान भी मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया है तो उसने सैनिक को अपने साथ चलने का आग्रह किया, जिससे सैनिक ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह से वे सैनिक उस राक्षसनी के साथ उस गुफा में चला जाता है। सैनिक अपने सवाल के जवाब के लिए इतनी दूर भयानक जंगल में आया था जिसका एकमात्र उद्देश्य राजा की मौत के रहस्य को जानना था। वो सैनिक अपना उद्देश्य तो भूल गया और उस राक्षस कन्या के साथ रमणीय करने लगा। प्रिय दर्शकों, इधर जब राजा के आने का समय होता है तो जब वह राक्षस कन्या को नौजवान के चिंता होने लगती है, वह राक्षस कन्या सोचने लगी कि यदि मेरे पिता ने इस नौजवान को देख लिया तो वह इसे जिंदा नहीं रखेंगे, वह इसे जिंदा खा जाएंगे। यही सोचकर जैसे ही राक्षस के आने का समय होता है, उस राक्षस कन्या ने अपनी माया से उस नौजवान को एक कीड़ा बना दिया और उस नौजवान को कीड़ा बनाकर दीवार पर चिपका दिया और उसके बाद वो राक्षसनी के रूप में बदल गई। इधर जब राक्षस अपनी गुफा में लौटकर वापस आता है तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी क्या बात है, आज मुझे इस गुफा में मानव गंध क्यों आ रही है, क्या मेरे पीछे इस गुफा में कोई मनुष्य आया था। पिता की इन बातों को सुनकर राक्षस कन्या बहाना बनाते हुए बोली कि पिताजी आप भी कैसी बातें कर रहे हो, इस भयानक जंगल में मनुष्य कैसे आ सकता है, यदि गलती से भी आ भी गया तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी गुफा तक पहुंचे। चलिए पिताजी आप थक गए होंगे, आप सो जाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। फिर प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह राक्षस कन्या अपने पिता को गुमराह कर देती है और उस नौजवान सैनिक के साथ में अपने पिता को कुछ नहीं बताती। अब वो उस राक्षस कन्या को यह हर रोज का नियम बन गया था। जैसे ही रात होती थी, राक्षस अपनी शिकार के लिए गुफा से बाहर जाता तो वह सैनिक को पुनः पुरुष बना देती। जैसे ही राक्षस के लौटने का समय होता तो वह उसे कीड़ा बनाकर दीवार पर चिपका देती थी।
इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी समय बीत जाता है। जब उस सैनिक को राक्षस की गुफा में काफी समय बीत गया, जब उसका राक्षस की कन्या से मन घबरा गया तो उसे अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगी। परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल में था और उसके चंगुल से निकलना कोई आसान कार्य नहीं था। ऐसे ही चलते चलते जब कुछ दिन और बीते तो एक दिन उस सैनिक को गुफा से भागने का मौका मिल जाता है। हुआ यूं कि एक दिन जब राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है तो पिता के जाने के बाद उस राक्षस कन्या ने मच्छर बने हुए सैनिक को पुनः पुरुष बना दिया और उसके साथ प्रेम करने लगी। उसके बाद वह उस मच्छर बनाना भूल गई और सैनिक से बातें करते करते उसे नींद आ गई। इसी मौके की तलाश में तो सैनिक था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से भागूं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस सैनिक को यह मौका मिला तो सैनिक दबे पांव उस गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर आकर सैनिक ने विचार किया कि मुझे राक्षस कन्या से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अपने नगर तक मैं कैसे पहुंचूंगा? मुझे तो अपने नगर का रास्ता भी नहीं पता है। फिर भी सैनिक ने हार नहीं मानी। उसने ईश्वर का नाम लिया और अनुमान से ही एक दिशा की ओर दौड़ लगा दी। कई दिनों तक भागने दौड़ने के बाद आखिर वह अपने नगर पहुंच जाता है। जब वह अपने नगर में पहुंचा और अपने परिवार वालों से मिला, अपने बीवी बच्चों से मिला तो उनसे मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अपने परिवार से मिलते हुए सैनिक सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो राक्षस कन्या की आंख लग गई और मैं वहां से भाग आया। यदि मुझे यह मौका नहीं मिलता तो न जाने कब तक वह मुझे अपने पास कीड़ा बनाकर रखती। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे यह मौका मिल गया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस सैनिक को अपने घर आए हुए भी काफी दिन बीत जाते हैं। जब काफी समय उसने अपने घर पर बैठे बैठे ही बिता लिया तो उसे फिर से उस राक्षस कन्या की याद सताने लगी। सैनिक सोचने लगा, कितनी सुंदर थी वह स्त्री, मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे इस तरह से उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया और मैंने उसके साथ में क्या किया। आते समय उससे मिला तक नहीं, मुझे इस तरह से उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। प्रिय दर्शकों, जब यह ख्याल सैनिक के मन में आता है तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। अब तो रात दिन भर उसके ख्यालों में वह खोया रहता है। अब तो उसे न रोटी अच्छी लगती थी न पानी, सारा दिन उसके ही बारे में सोचता रहता था। जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए झटपट आने लगा और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बार वह उस कन्या से मिलकर जरूर आएगा। यह निश्चय करके सैनिक उस बुढ़िया के पास पहुंच जाता है और उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर कहता है, हे माँ जी, जिस स्थान पर आपने मुझे पहले भेजा था उसी स्थान पर मैं दोबारा से जाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने जब सैनिक को देखा तो बुढ़िया सैनिक को देखकर पहचान गई कि यह तो वही सैनिक है जो कुछ दिन पहले मेरे पास राजा के हत्यारे का पता लगाने के लिए आया था। बुढ़िया बोली, बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था, क्या तुम्हारा काम अभी वह पूरा हुआ है कि नहीं? सैनिक बोला, माँ जी छोड़िए उन बातों को, मुझे उन बातों से क्या लेने देना कि राजा को किसने मारा। मैं तो उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य के लिए आपके पास में आया हूँ जी। बस एक बार आप मुझे नादान पर कृपा करो और मुझे उन स्थान पर पहुंचा दो
बस मैं एक बार उस स्थान पर जाना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब तो सैनिक उस बात को भूल चुका था कि मैं पहली बार इस बुढ़िया के पास में क्यों आया था। अब तो सैनिक को केवल उस राक्षस कन्या से मिलना था। उसके अंदर एक कन्या से मिलने के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार बूढ़ी औरत से उस स्थान पर पहुंचने की मिन्नतें कर रहा था। सैनिक की बेचैनी को देखकर बुढ़िया समझ गई कि वह सैनिक काम के बसीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, पहले तो मेरे पास में बकरा था जिससे तुम कान पकड़कर वहां पहुंच गए थे, लेकिन अब तो मेरे पास दूसरा बकरा नहीं बचा। अब मैं तुम्हें वहां कैसे पहुंचा सकती हूँ? तब सैनिकों ने कहा कि माता जी, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। आप मुझे किसी भी तरह उस स्थान पर पहुंचा दो। मैं एक बार उस राक्षस कन्या से मिलना चाहता हूँ। आप किसी तरह मुझे उस लड़की से मिलवा दो। सैनिक की इन बातों को सुनकर बुढ़िया बोली, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो मेरे पास एक दूसरा उपाय है जिससे तुम शीघ्र ही उस लड़की के पास पहुंच सकते हो। जब सैनिक ने पूछा क्या उपाय है, तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो उसके लिए तुम अपने बड़े बेटे को मेरे पास लाओ। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आता हूँ। अब तो प्रिय दर्शकों, वह सैनिक अपने घर जाता है और अपने पुत्र को अपने साथ में कराता है। इतना कहकर सैनिक अपने घर पहुंचा और अपने बड़े बेटे को लेकर बुढ़िया के पास आया तो बुढ़िया से कहने लगा, माता जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ ले आया हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। बुढ़िया बोली, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार तुमने उस बकरे का सिर काटा था, उसी प्रकार तुम्हें अपने पुत्र की गर्दन काटनी है। जिस तरह तुम बकरे के कान पकड़कर उस स्थान पर पहुंचे थे, उसी तरह तुम्हारे बेटे का स्तर भी तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा। प्रिय दर्शकों, काम के बसीभूत वह सैनिक लड़की से मिलने के लिए अपने बच्चे का सिर काटने के लिए तैयार हो जाता और वह सिर्फ काटने के लिए था। वह जैसे ही सैनिक अपने बेटे का सर काटने के लिए तलवार उठाता है, वैसे ही बुढ़िया उस सैनिक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठहरो नौजवान, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम मेरे पास उस दिन एक सवाल लेकर आए थे कि राजा को किसने मारा है, तो सुनो नौजवान, राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने मारा था। राजा को तो सिर्फ काम वासना ने मारा था। जिस तरह आज तुम काम वासना में अंधे होकर अपने ही बेटे का सिर धड़ से अलग करने जा रहे हो, अपने बेटों को मारने के लिए तैयार हो गए हो, इसी काम वासना के बसीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वह इतना घृणित कार्य कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वासना का अंधा रिश्ते को तार तार कर देता है। कब किसकी जान ले ली कोई नहीं जानता। इसीलिए कोई कितना भी सगा हो, वासना के अंधे का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुढ़िया आगे समझाते हुए बोली, बेटा, दूसरा बात यह है कि धन की लालची, धन का लालची व्यक्ति भी कभी सगा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धन का लालची हो, उसके लिए भी कोई चीज मायने नहीं रखती। ऐसे लोग थोड़े से धन के लालच में सभी सीमाएं लांघ जाते हैं। धन के लालची व्यक्ति को भी कभी अपने साथ नहीं रखना चाहिए और उस पर कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें तीसरे व्यक्ति के बारे में बताती हूँ जिसके ऊपर भी कभी भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, वह क्रोधी इंसान, जिन व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी
किस्म का होता है, ऐसे लोग भी विश्वास के काबिल नहीं होते। क्रोधी मनुष्य क्रोध में अंधा होकर सब कुछ कर डालता है, जिसका अंजाम पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। क्रोधी मनुष्य के वृद्धि सबसे सुन्न हो जाती है। क्रोधी मनुष्य को अपना पराया कुछ नहीं दिखाई देता। क्रोधी मनुष्य है से हमें सदा सावधान रहना चाहिए। तो पुत्र, यह थे वो तीन लोग जिनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह तीन लोग सगे अपने खून के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। आगे बुढ़िया उस सैनिक को समझाते हुए बोली, बेटा, जंगल में कोई कन्या नहीं है, यह तो सब मेरी रची हुई माया थी। यदि मैं सीधे सीधे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देती और कहती कि राजा को वासना ने मारा है, तो तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होता। लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि वासना ने मनुष्य कितना अंधा हो जाता है कि उसे अपना पुत्र भी दिखाई नहीं देता। तो अब आप यकीन कर सकते हैं कि राजा को ना तो चोर ने मारा था, ना ही रानी ने। राजा को तो सिर्फ वासना ने मारा था। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह अपनी कुटिया में वापस चली जाती है और सैनिक अपने पुत्र को लेकर अपने घर चला जाता है। और इधर वह चूहा उस नेवले को लेकर अपने गतवंग के पास पहुंच जाता है। मेंढक कहने लगा, मित्र नेवला, तुमने ऐसी कहानी सुनाई, वास्तव में बड़ी ही रोचक कहानी थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस प्रकार नेवले की कहानी समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।